रजनी मैं हूं शेफ अकबाल। सबसे आसान तरीका यम्मी सैंडविच बनाने का, मैं बना रहा हूं मसाला फरसान सैंडविच। अब ये बहुत मजेदार है, मैंने एक जगह फैक्ट्री में देखा था कि वहां पे जो ओनर थे, छोटी सी फैक्ट्री थी, ओनर थी, ब्रेक टाइम पे फरसान सैंडविच ऐसे बना के देते हैं मसालेदार। वर्कर्स को खाने में इतना मजा आता, पूछिए मत। उस दिन मैंने भी खाया और मुझे लगा कि ये कमाल का सैंडविच। कोई भी फरसान ले लें, फरसान ले लिया, इसमें मैं यहाँ शेजवान सॉस मिला रहा हूँ, आप चिली सॉस मिला सकते हैं, ठीक है जी। टमाटो केचप और मेयोनीज, सब कुछ में मजा आ जाए। इसके साथ साथ चीज, ये सारी चीजें मिला लेते हैं। इसके लिए एक बड़ा बोल ले लेते हैं, ये। अब ये मिश्रण मिक्स हो गया। अब मिक्स होने से क्या हुआ, पकड़ आएगी आसानी से, ठीक है जी। ब्रेड के दो स्लाइसेस, बटर लेते हैं, मेयोनीज ये लगा लेते हैं, और इसमें ये फरसान, ओहो हो, ये फरसान अपने आप में एक मतलब चखना सा बन गया। देखिए ये लगा, इस पे प्रेस कर दिया और ये तैयार। तेल लगा देता हूँ ठीक से, या बटर लगा सकते हैं, ठीक है जी, आप बटर भी लगा सकते हैं घर पे, प्रेस कर ले। आपने देखा होगा कि सैंडविचेस में नमक नहीं डल रहा है, क्योंकि नमक से मार का आप वैसे करिएगा। सारे सॉसेज जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसमें सब में नमक होता है और वो सारी चीजें रेडीमेड है, इसे नमक यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे आप नमक शमक करते रहिएगा। वाह, सैंडविच बिल्कुल तैयार, ये देखिए मजेदार। आह, अक्सर हम सोचते हैं घर पे बैठ के कि कैसे सैंडविच बनाएं, कैसे बनाएं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया। ये देखिए, अब ये परोसिए इस तरह से, खाने में क्रंची, बिल्कुल हिंदुस्तानी, मजेदार, स्वादिष्ट, बना के खाइए, मजा आ जाएगा। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।